इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां एक बार फिर अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। अज्ञात दबंगों ने 16 वर्षीय किशोर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। किशोर के पीठ व जांग में लगी दो गोलियां। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल किशोर को हैलट अस्पताल में कराया भर्ती। बर्रा थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर का मामला। कानपुर से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। एक इंटर का छात्र है रंजीत, जो है सनाफ सूर्यनाथ, ई ब्लॉक निवासी बर्रा, केडीएम स्कूल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर जो है कुछ हमला किया है, जिसमें बुलेट इंजरी है। उसको पुलिस और उसके परिवारिक जनों के साथ जो है तत्काल जो है हेलेट उपचार के लिए भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और जैसे ही जो है उसकी अभी स्थिति जो है सामान्य है, उपचार के बाद अगर कुछ जो है वो उससे पूछताछ की जाएगी, अगर कुछ लोगों को बताता है तो उसके आधार पे और या जो भी तहरीर जो है उनके परिजन देते हैं उसको पंजीकृत करके जो है उसपे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है आसपास के जो है सीसीटीवी कैमरों के लिए दो टीमें हमारी रवाना है कि मौके पे ये पता चल रहा है कुछ लोगों का स्थानीय की कोई गाड़ी थी, फोर व्हीलर गाड़ी है, और ये भी उसके परिजनों के द्वारा या उसके दोस्तों द्वारा बताया गया है कि कोई एक 10 दिन पहले उसकी एक लड़का है जिससे कुछ जो है लड्डू नाम है उसका, उससे कुछ जो है कहा सुनी हुई थी, बातचीत हुई थी। तो इन सब चीज़ों को अभी कोई तहरीर नहीं है, लेकिन जांच का विषय है। और जो एक गाड़ी का स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि एक गाड़ी गुजरी है, वो उनसे कुछ सूचना मिली है, उसी की तलाश के लिए हमारी टीम जो है रवाना है। शीघ्र ही जो है अगर इनके द्वारा कोई तहरीर दी जाती है तो उस पर, नहीं तो घटना का जो है किसके द्वारा की गई हमारी टीम जो है खुला सकती है।